फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। सो आज का जो ब्लॉग है वो छोटा सा राइड होने वाला है, क्योंकि मैं जैसे कि लास्ट में ब्लॉग में मैं बताया था, मैं जो हिल टॉप है राउरकेला का बीच में ही है और वो हिल टॉप वहीं पे जा रहा हूँ। और ये बस ज़्यादा दूर नहीं है, 2-3 किलोमीटर है मैं जहाँ रहता हूँ। सो ये बहुत छोटा सा ब्लॉग होने वाला है और हिल टॉप से बहुत एरियल व्यू आता है राउरकेला का, इसलिए थोड़ा ऊपर में जाके थोड़ा एक्सप्लोर करूँगा। एक्चुअली जो राउरकेला की बाहर से हैं वो तो हिल टॉप एक्चुअली देखे नहीं होंगे, लेकिन जो राउरकेला में रहते हैं तो उन लोग देखे होंगे। तो इसलिए मेरा बहुत फ्रेंड्स है जो बाहर रहते हैं, तो उन लोग का ऐसे ही बोले थे कि थोड़ा राउरकेला का एरियल व्यू के लिए। सो इसलिए मैं हिल टॉप जा रहा हूँ और आज मेरा सोलो राइड होने वाला है, क्योंकि सुब्रत भी आज थोड़ा बिजी है और सत्य भी थोड़ा बिजी है, और वैसे भी आज मेरा लास्ट डे है राउरकेला में। और कल सुबह सुबह ही मैं निकल जाऊंगा भुवनेश्वर, क्योंकि संडे को मेरा बहुत सारा काम है। सो अभी चलते हैं हिल टॉप, यहीं से मैक्सिमम 3 किलोमीटर है, तो 2-3 मिनट या 5 मिनट लगेगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, आपको पूरा राउरकेला का जो व्यू देखने को मिलेगा आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो फ्रेंड्स, चलिए हिल टॉप एक्सप्लोर करने के लिए। एक्चुअली मेरा जो प्लान था जाने का कंसवाल डैम और मंदिरा डैम, वो कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि एक्चुअली मेरा रिटर्न प्लान था राउरकेला से भुवनेश्वर संडे को, लेकिन इमरजेंसी कुछ काम आ गया। सो इसलिए मुझे फ्राइडे कल सुबह ही निकलना है। सो और 2-4 ब्लॉक जो बनाने का प्लान था वो सब कैंसिल हो गया और बस 4 ही ब्लॉक हुआ राउरकेला का। और वैसे भी जो कांसवाल डैम है वो पूरा सिमिलर है पीतामल डैम जो है, लेकिन मंदिरा डैम थोड़ा डिफरेंट है। देखते हैं नेक्स्ट टाइम कभी आएंगे तो वो थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। अभी नेक्स्ट वीक मेरा आउट ऑफ उड़ीसा जाने का प्लान है, लेकिन अभी जो कोविड का सिचुएशन चल रहा है सो कुछ फाइनल नहीं हुआ है, क्या करेंगे क्या नहीं देखते हैं। अभी एक्चुअली इतना कोविड बढ़ गया, बहुत सारा स्टेट बिना कोविड रिपोर्ट से आप एंट्री नहीं करने देते, एयरपोर्ट में भी ऐसे ही हो गया। सो थोड़ा रिस्क है बाहर जाने का। एक्चुअली मैं अभी फटाफट जाऊंगा और फटाफट तुरंत वापस आऊंगा, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 12:30, जो गर्मी भयानक हो रहा है। सो ज़्यादा तो रुकना नहीं है वहीं पर, बस जाके ही आना है। वैसे भी एक्चुअली मेरा प्लान था सुबह सुबह जाने का, लेकिन हमेशा की तरह सुबह मैं उठ नहीं पाता हूँ कभी भी 6 बजे, लेकिन 6 बजे जाने का वो व्यू थोड़ा अलग रहता है। सुबह सुबह थोड़ा फॉग भी रहता है, थोड़ा मतलब बहुत ही औसम व्यू आता है, हिल एरिया हो गया या रास्ते में भी बहुत अच्छा व्यू आता है। क्योंकि एक्चुअली मेरा जो राउरकेला का प्लान है, अगर आधे घंटे 1 घंटे के बाद मेरा 1-2 काम है अगर ख़त्म हो गया तो मैं अभी निकल जाऊंगा और देवगढ़ में रात को रुकूंगा, और सुबह सुबह देवगढ़ में दो वाटरफॉल है उसको एक्सप्लोर करूंगा, उसके बाद अनुगुल होते हुए भुवनेश्वर 3-4 बजे तक पहुंच जाऊंगा, वही प्लान है। सो देखते हैं, वो तो 2 घंटे के बाद ही पता चलेगा, अभी कुछ कन्फर्म नहीं हुआ। अगर वैसे नहीं हुआ तो रात को रुक के सुबह सुबह ही मैक्सिमम 6 बजे ही निकल जाऊंगा। तो अभी मैं सेक्टर 6 पहुंच गया हूं, यहीं से लेफ्ट लेना है 6 नंबर मार्केट से, आपको सीधा डायरेक्ट रोड मिल जाएगा हिल टॉप। तो यहाँ पे आज कुछ मार्केट्स बंद है, शायद मंथ लास्ट थर्सडे को बंद रहता है।
ये आप देख सकते हैं, यहाँ से पहाड़ चढ़ाई शुरू हो जाता है। ये वाला सेक्टर एरिया है पूरा हरा भरा जंगल, और जो अपोजिट साइड है वो राउरकेला मेन एरिया है, कमर्शियल एरिया है। और सेक्टर एरिया मैक्सिमम आरएसपी एरिया है, और जो राइट साइड में और सब प्राइवेट एरिया है। वैसे शाम को यहाँ पे कोई आते हैं मतलब घूमने के लिए, कुछ लोग आते हैं, लेकिन अभी तो सुबह का टाइम है, कोई नहीं आया। हम लास्ट आए थे हम लोग सत्यावर में आए थे 2 दिन पहले, लेकिन कुछ उस टाइम ब्लॉग नहीं किए थे, आए थे 8-10 जन लोग आए थे। लेकिन अभी सुबह का टाइम है तो यहाँ पे पूरा खाली है, देख सकते हैं आप सेक्टर एरिया। और ये वाला पूरा हिल का टॉप का रोड है, ये वाला राउरकेला एरिया स्टील प्लांट। सो फ्रेंड, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं अभी पूरा हिल टॉप का टॉप में आ चुका हूं, और यहीं से गाड़ी ऑलरेडी पार्क कर चुका हूं, और गाड़ी तो आगे नहीं जा सकता, थोड़ा बस ट्रैक करके मुझे जाना है। तो धूप भयानक हो रहा है इसलिए मैं थोड़ा गगल्स पहना हूं, और थोड़ा आगे जाते हैं ट्रैक करके। सो यहाँ पे मैं अभी ट्रैक करके जा रहा हूँ, थोड़ा आगे एक मंदिर बना हुआ है, शायद अंडर कंस्ट्रक्शन है, और राइट साइड में माता वैष्णव देवी का मंदिर है। और गर्मी तो वैसे बिल्कुल नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं पूरा हिल के टॉप पे हूँ, थोड़ा थोड़ा हवा दे रहा है। सो एक्चुअली जहाँ पे मैं गाड़ी रख के आया वो वाला BSNL का कुछ ऑफिस है। और अभी जो सामने आप लोग देख रहे हैं ये वाला हनुमान जी का मंदिर है, और ये मैं पहली बार देखा हूँ, क्योंकि मैं भी जो हिल टॉप तकरीबन 2 साल के बाद ही आया हूँ। और ये देखिए पूरा सेक्टर का व्यू, कुछ पेड़ फेड़ भी यहाँ पे लगाए हैं इन लोग, 2-3 लड़के बैठे हुए हैं यहीं पे। यहीं से वैष्णव जी भी क्या जाने का रास्ते भी है, देख सकते हैं, और माता वैष्णव देवी का मंदिर है बस यहीं से नीचे है, थोड़ा आगे जाने पर दिखाई देगा, बस 100 मीटर के आसपास है, थोड़ा पहाड़ के बीच में ही है, तो यहीं से दिखाई नहीं देता ठीक से। ये देखिए पूरा राउरकेला एरिया है, एरियल व्यू। यहाँ पर भी बहुत सारा पेड़ था, लेकिन यहाँ पर कोई आग लगा दिया तो बहुत सारा पेड़ है पूरा जल गया, खाली चारों तरफ देख सकते हैं पत्थर ही पत्थर है पूरा पहाड़ के ऊपर में। अभी कुछ अच्छा व्यू लेता हूँ मैं ऊपर से, सो कैसा आपको लगेगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। When the
night was closing in. I was alone and so afraid. Couldn't see the light. No. Then my world began to spin. Where's the beginning? Where's my omega? Had to make it right. फ्रेंड्स यहीं पे अभी धूप बहुत भयानक हो रहा है. अभी मुझे जाना है, थोड़ा राउकला में काम है और काम ख़त्म करके मैं आज निकल जाऊंगा. और अभी मैं रिटर्न कर रहा हूं क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 1:15. सूरज देवता पूरा ऊपर है, हालत ख़राब होने वाला है और वैसे ही मैं पानी नहीं लाया हूँ. सो अभी डायरेक्ट मैं निकलता हूँ. सो फ्रेंड्स ये वाला ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिए. और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मेरा कोई लेटेस्ट वीडियो है, कोई ब्लॉग है, आप मिस नहीं करेंगे. सो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग में बस इतना ही. बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे. तो अभी मैं रिटर्न जा रहा हूँ और मैक्सिमम जितना भी घाट रोड है अब चढ़ने का टाइम ईजी लगता है, लेकिन उतरने का टाइम थोड़ा रिक्स है क्योंकि उतरने का टाइम में ब्रेक फेल होने का चांसेस देता है मैक्सिमम बड़ा गाड़ी में, लेकिन छोटा गाड़ी में इतना इशू नहीं होता है. तो फ्रेंड ये मेरा राउरकेला सीरीज़ का लास्ट ब्लॉक है क्योंकि कल सुबह जैसे भी मुझे रिटर्न जाना है भुवनेश्वर, क्योंकि मेरा एक अर्जेंट काम आ गया. एक्चुअली मेरा प्लान था और 2 दिन रुकने का और 2 दिन के बाद मैं और सत्यम मिलके भुवनेश्वर जाते, लेकिन कल मेरा काम आ गया. सो जैसे भी मुझे कल सुबह निकलना है इसलिए मुझे सोलो राइड करके जाना है. बहुत सारा प्लेस एक्सप्लोर करूँगा और भी 1-2 वाटरफॉल है जैसे कि प्रधानपाट वाटरफॉल, देवगढ़ भाई बहन वाटरफॉल और कुछ जंगल एरिया भी मैं एक्सप्लोर करूंगा और बहुत ही धमाकेदार ब्लॉग आने वाला है. सो आप जो नेक्स्ट जो ब्लॉग आएगा आप ज़रूर देखिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा. सो फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर.